मुझे एक ऐसा सप्लीमेंट चाहिए, मैं एक स्कूप लूं तो मेरा डोला बन जाए, मैं दूसरा स्कूप लूं तो मेरे शोल्डर बन जाए, तीसरा स्कूप लूं तो मेरे एब्स आ जाए, चौथा स्कूप लूं तो मेरे लेग्स बन जाए। साइबर हब, हब में हब, नहके और भी नमकीन हो गई हूँ। Good morning guys, what's up and welcome back. Wait a second, good morning hai ki good afternoon guys, welcome back to the channel. My name is Kamaljeet Rana. अपन अभी कहाँ जा रहे हैं? देखो भाई, जब भी आप किसी और शहर में होते हो, मतलब और शहर में इन द सेंस आई नो दैट मैं गुड़गांव में रहता हूँ, अब तो गुड़गांव मेरा शहर हो गया एक तरह से, बट नहीं, मैं बॉम्बे मेरा शहर है। जैसे आप किसी और शहर में होते हो और अगर आपका किसी और शहर का दोस्त उस शहर में आ रखा है जिसमें आप भी हो, मतलब जैसे मेरा एक दोस्त है जिसे आप लोग भलीभांति जानते हैं, जिसका नाम है मानस, वो जो है इस वक्त आ रखा है दिल्ली फॉर 3 days एंड देन ही विल बी गोइंग बैक। मानस आया हुआ है, मैं जा रहा हूँ भाई मानस से मिलने, तो ऐसे दूसरी सिटी में ना मिलने का एक मजा भी अलग होता है। मानस से तो मैं मिल ही रहा हूँ, साथ साथ मैं जा रहा हूँ अपने भाई से मिलने के लिए भी, दिनेश से मिलने के लिए। आई एम गोइंग टू हिज जिम विच इज MBF इन गुड़गांव, मूवमेंट बेस्ड फिटनेस। भाई साहब मानोगे नहीं, मतलब इतने जितने दिन मुझे यहाँ पर आए हुए हैं ना, अभी इतना गंदा मौसम था, इतना गंदा मौसम था, लेकिन आज भाई साहब कुछ तो हुआ है कि मौसम एकदम फैंटास्टिक हो गया है, फैंटास्टिक। ठंडी सी हो गई है, नजर नहीं लगाना चाहता मैं, मुझे ऐसा लग रहा है बारिश कभी भी आ सकती है, काले बादल छाए हुए हैं हर जगह, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि हम जिस जगह जा रहे हैं वो थोड़ा सा बाहर घूमने वाली भी है, इसका नाम है साइबर सिटी। तो साइबर सिटी में क्या है ना, बाहर घूमने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर मौसम अच्छा ना हो तो बाहर कितना ही घूम लो, कहीं भी चले जाओ, अगर मौसम अच्छा नहीं है तो आप एंजॉय नहीं कर सकते। लकीली गॉड्स ग्रेस आज मौसम बड़ा अच्छा है। एंड आई ऑल्सो आई वांट टू से थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने मुझे मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स पे इतना सारा प्यार दिया है। इट विल टेक मी आई थिंक 30 minutes टू रीच साइबर सिटी, नहीं साइबर सिटी नहीं, पहले हम MBF जा रहे हैं क्योंकि मानस भी वहीं पहुंचेगा। लेकिन एक बात तो बता दूं कि मिलने से पहले ही हो गया है एक बहुत बड़ा इशू, मानस को कोल्ड हो रखा है भाई, और मानस ने अपना सैंपल दिया हुआ है कोविड टेस्ट के लिए दिया हुआ है सैंपल, तो उसकी रिपोर्ट शाम तक आएगी। अब हम सर इसी टेंशन में है कि हमें मिले या ना मिले, बिकॉज इट्स कॉमन कोल्ड है या कोविड है कुछ पता नहीं, तो ये एक अलग कांड हो रखा है। तो एंड ही वॉज टेलिंग मी कि मेरे को कोल्ड ही है, बिकॉज थ्रोट में मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, जस्ट नॉर्मल कोल्ड जो मुझे अक्सर होता रहता है। मैंने कहा भैया चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। अब तो कोविड के केसेस बहुत कम होंगे, लेकिन कोविड के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसी की वजह से दिल्ली गवर्नमेंट और गुड़गांव गवर्नमेंट ने जो है ये मास्क को कंपलसरी कर दिया, hence you are seeing me in this mask. मास्क कंपलसरी कर दिया गया है, अगर आप बिना मास्क के पकड़ गए तो 500 रुपए की चपात लगाई जाएगी आपको। छठा guys, we have reached. So, मैं गाड़ी पार्क करने की जगह देख रहा हूँ, मेरे को गुड़गांव के रास्ते ना बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, बट आज गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग में आया और मैं एकदम सही तरीके से सही जगह पे टाइम से पहुंच गया हूँ। तो मैं पहुंच गया हूँ MBF, दिस इज भूपेंद्र भाई। सो भूपेंद्र भाई इज मोहन मिश्रा, भूपेंद्र नाम है ना, भूपेंद्र मिश्रा। तो भूपेंद्र कौन है? मैं मिस्टेकन हो गया सॉरी मोहन। सो मोहन इज द न्यू पार्टनर एट MBF, सही बोला ना मैंने? एंड अनिल को आप जानते ही हो, पिछली बार में जब मैं MBF आया था हम लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस किए थे और मैं अनफॉर्चुनेटली सब में फेल हो गया था, पर कोई बात नहीं। दिनेश का है? नहीं, वो मानस को लेने गया होगा शायद, तभी गाड़ी भी नहीं थी। हाँ हाँ, MBF दिखाता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। तो चेंजेस किए ना, ये सेक्शन नया खोल दिया है, तो दिस इज द न्यू सेक्शन, यहाँ पे सप्लीमेंट सेक्शन है बेसिकली। सो इफ यू गाइस आर इन एंड अराउंड गुड़गांव या बाहर भी हो आप, और इफ यू गाइस वांट टू ऑर्डर सप्लीमेंट्स, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। एंड इफ यू नीड एनीथिंग यहाँ पे सब। मुझे एक ऐसा सप्लीमेंट चाहिए, मैं एक स्कूप लूं तो मेरा डोला बन जाए, मैं दूसरा स्कूप लूं तो मेरे शोल्डर बन जाए, तीसरा स्कूप लूं तो मेरे एब्स आ जाए, चौथा स्कूप लूं तो मेरे लेग्स बन जाए। सर ऐसा कोई आप ऐसा नहीं हो, मेरे जो ढूंढ रहे हो ऐसा सप्लीमेंट, ऐसे बहुत कम ढूंढ रहे हैं, ऐसा आपको भी मिले तो बता। एंड ही इज हियर माय यंगर ब्रदर, ये मेरे से 5 साल छोटा है। आप लोग पहले भी मिल चुके हो, दिस माय एल्डर ब्रदर, पर कहने को एल्डर है पर लगता यंग है। और मानस भी पहुंच चुका है, मानस कहां गया? मैं तो जब आधे रास्ते आ गया तब मेरे पास देयर वाज नो वे बैक, तो मेरे को पूरी करनी थी जर्नी, तो मैंने पूरी कर ली किसी तरह। मानस इज ऑल्सो हियर, अभी प्लानिंग देखते हैं क्या प्लान है हमारा अभी आगे। सो गाइस वी हैव लेफ्ट नाउ, हम लोग MBF से निकल के अब हम वी आर गोइंग टू साइबर सिटी फॉर लंच। साइबर सिटी में कोई तो जगह है जो दिनेश और अनिल ने सजेस्ट की, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, बिकॉज हम तो देखो नए हैं, हम तो मेहमान हैं इधर, तो वो जो भी जगह डिसाइड करेंगे वील गो फॉर लंच देयर। मोहन भाई हमें ज्वाइन नहीं कर पाए बिकॉज मोहन भाई को कुछ काम है, तो ही
मोहन भाई को कुछ काम था तो वो वहीं रुके हैं MBF में। बाय द वे गाइस, जिस कार में हम लोग बैठे हैं ये मेरे भाई ने नई गाड़ी ली है जिसका नाम है MG Aster, जिसका सबसे बेस्ट पार्ट है ये। सीरियसली पूरा वहां तक पीछे तक है। किस जगह पे जा रहे हैं लेकिन हम, क्या नाम था? साइबर हब। नहीं नहीं, साइबर हब में कहां जा रहे हो? नैंडोज। नंदूज तो नहीं है? NANDO S नंदू बोलते हैं, नैंडो बोलते हैं उसको। नैंडोज ये ऑब्वियसली बाहर से आया तो नंदू नहीं बोलेंगे। ओके ओके। Have to stay afloat. It's nice, I be a person you don't want. Can somebody save me of the thing going to do? Where is the life I? All right, guys. Done with lunch. Now we are going back to MBF. We'll sit there for some time. We came back to MBF. We sat for some good time. Me and Manas and all of us. अब pack up का time है. मैं जा रहा हूँ मानस को छोड़ने मेट्रो स्टेशन तक. फिर मानस जाएगा अपने मालवीय नगर. और मैं वहाँ से फिर निकलूँगा घर. ऑटोमेटिक चलाना इजी है, डिफिकल्ट है? ऑटोमेटिक चलाना बहुत इजी है. कुछ करना ही नहीं आज तक चला ही नहीं ना. चलाएगा? नहीं नहीं नहीं. बहुत मतलब मानस इतना इजी है, मक्खन है भाई. अपने को जो डे टू डे लाइफ वाले हैं उनके लिए ऑटोमेटिक बेस्ट है भाई. क्योंकि ना क्या आजकल ट्रैफिक इतना हो गया है, कितने बार तो रुके, कितनी बार तो रोकना है सिग्नल पे, तो इसी लिए करके राइट ले लेता. पहले आया इधर साइबर हब? मैं बहुत बार आया. साइबर हब, हब में हब। गाइस अभी भी मानस का रिश्ता नहीं हुआ है ओडिशा के मेरे जितने सब्सक्राइबर है. नॉट ओनली ओडिशा, मेनली. हाँ मतलब मेनली ओडिशा ना. तो ओडिशा से है, पापा मम्मी तो ओडिशा से जाएंगे क्योंकि लड़की ओडिशा से हो, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई, अगर ऐसी कोई लड़की है जो ओडिशा से है लेकिन वो काम कर रही है, जॉब कर रही है किसी और सिटी में, आपकी कोई फ्रेंड है जो यू नो शादी के लिए एलिजिबल है, तो मेरा भाई अभी एलिजिबल बैचलर है. देखो लड़का बड़ा अच्छा है भाई, तो अगर आपके नजर में कोई हो तो प्लीज बता दीजिएगा. इतना मस्त मैंने खाना खाया है कि मेरे को गाड़ी चलाते चलाते थोड़ी सी नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ तो शायद थोड़ी सी नींद खुल जाएगी. मैं घर के बहुत पास हूँ ऐसे कि मुझे ना टेलर का काम है और ड्राई क्लीन करने के लिए दो सूट देने अपने, तो मैं सोच रहा हूँ वो कर लेता हूँ. और टेलर वाला काम किया मैंने कैंसिल. मैंने कहा भाई अच्छा मौसम हो रखा है, थोड़ी देर स्विमिंग की जाए. और मैं आ गया स्विमिंग पूल में नहा के और भी नमकीन हो गई हूँ. एक्चुअली बताओ ठंडा लग रहा है भाई साहब, बहुत ठंडा पानी है भाई, बहुत ठंडा पानी है. एक काम करता हूँ, एक राउंड लगा के आता हूँ फिर मिलता हूँ. ठंडा मुझे लगा गर्मी हो रखी है प्रॉपर तो थोड़ा सा गर्म होगा, बट नो, इट्स द वाटर इज कोल्ड. स्विमिंग इंजॉय करता हूँ, 5-10 मिनट में भाग जाऊँगा यहाँ से मैं. और गाइस डन फॉर द डे. मैं थोड़ी देर पानी में गया और इतना ठंडा पानी था कि मेरी हालत ख़राब हो गई है. मेरे को ना कानों में कुछ तो ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है, ठंड घुस गई मेरे कान में, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो है, मेरे कानों में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है. आज के दिन को रैपअप करते हैं, हम आपसे कल मिलता हूँ. आई विल सी यू गाइस टुमारो.